बजट में बड़े ऐलान हुए हैं पावर सेक्टर्स के लिए, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पावर मिनिस्टर आरके सिंह सर। सर, आपकी जो जो डिमांड्स थी, मुझे लगता है सर वित्त मंत्री ने सारी पूरी कर दी है। आप वायबिलिटी गैप फंडिंग जो आप बैटरी स्टोरेज के लिए मांग रहे थे वो भी दे दिया। सर, जो 35,000 करोड़ जो एनर्जी ट्रांजिशन में जो ऐलान किया गया है, सर कितना पावर के लिए आएगा, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल? नहीं, वो देखिए, वो जो 25,000 करोड़ है वो सिर्फ एक पार्ट है। ये पूरा जो आउटले है ये एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, ग्रीन के लिए, उसमें 20,900 करोड़ के आसपास है, जो 10,000 मेगावाट हम लगाने जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी लद्दाख में, उसके इवैक्यूएशन के लिए करीब 9,500 करोड़ का होगा हमारा जो ये स्टोरेज के लिए। उसके बाद फिर हमारे जो बजट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के बजट में करीब 35% का ग्रोथ हुआ है, बढ़ाया गया। हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के भी बजट में करीब 33% का की बढ़ोतरी दी गई। ये सब एनर्जी ट्रांजिशन के लिए है। एक तो हम लोग ऑलरेडी, वो जो 35,000 करोड़ की बात कर रहे हैं उसमें से करीब 30,000 करोड़ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को, वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के लिए ही जाएगा, क्योंकि उनको टारगेट्स दिया गया है कि वो अपने एमिशंस कम करें, वो उसके लिए है। हम लोग का सेक्टर का जहां तक प्रश्न है, हम लोग का सेक्टर तो ऑलरेडी दुनिया में एक वर्ल्ड लीडर हो गया है एनर्जी ट्रांजिशन में। जितना रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमने जोड़ा है इतने कम समय में, उतना शायद ही कोई देश में जोड़ा होगा। तो हम लोग की गति अच्छी है और इस बजट के बाद तो और गति बढ़ेगी हमारी। सर, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी 19,700 करोड़ जो आपने मांगे थे वो भी वित्त मंत्रालय ने पूरे कर दिए। तो सर, जो टारगेट्स हैं वो एक बता पाएं, कब तक उसकी पॉलिसी हम फ्रेमवर्क आ जाए, हाइड्रोपंप की पॉलिसी कब तक? ये तो ये मिशन तो सैंक्शन हो गया, इसके बाद फिर अब हम लाएंगे जो बिडिंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि पहला उसमें काम करेंगे हम कि इलेक्ट्रोलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI लाएंगे। इलेक्ट्रोलाइजर के बिना तो ग्रीन हाइड्रोजन बना नहीं सकते, तो हम चाहते हैं मेक इन इंडिया, तो उसका हम PLI लाएंगे। उसके बाद तब हम एक PLI लाएंगे फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये दोनों का बिडिंग डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, फिर हम बिडिंग करेंगे। उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट से किस डिपार्टमेंट को कितना ये ग्रीन हाइड्रोजन खपत होना है, किस डिपार्टमेंट में ग्रीन अमोनिया खपत होना है, वो बात करके वो डिमांड एग्रीगेशन करना है, तब जा करके हम लोग बिड करेंगे। और उसके बाद फिर दूसरा एक जो डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है वो जो पायलट हमको करना है ग्रीन स्टील के लिए, ग्रीन मोबिलिटी के लिए, ये सब। तो अब जितने सारे हमारे फर्दर एक्शंस हैं मिशन के अप्रूवल के बाद, वो सब ले जा रहा है। सर, CCUS का क्या प्लान है सर, कब तक वो हम? CCUS का एक पायलट हम लोगों ने किया था मिनिस्ट्री, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत NTPC उसने किया था, वो सक्सेसफुल है, तो इसको हम आगे ले जा रहे हैं क्योंकि वो पायलट सक्सेसफुल रहा। और वो CCUS करके हम लोग ये एथेनॉल या के रूट में जाने की बात सोच रहे हैं। सर, मैं बजट से थोड़ा सा हटना चाहूँगा, क्योंकि सर अब G20 की प्रेसिडेंसी भी हमारे पास है, तो सर G20 में क्या बड़े मुद्दे पावर सेक्टर्स के लिए डिस्कस होंगे, क्या बड़ा कंसर्न इस समय वर्ल्ड इकोनॉमी में है, जिसको, क्योंकि हम एक मार्केट लीडर हैं। मेजर कंसर्न देखिए, तो ये हम लोग का तो पावर सिस्टम एकदम सॉलिड रहा, स्टेबल है, प्राइसेस भी एकदम स्टेबल है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर स्पेशली यूरोप में बहुत उथल पुथल हुआ एनर्जी को लेकर के, क्योंकि सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन हो गया, गैस सप्लाई का डिस्ट्रप्शन हो गया, एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, 4 गुना हो गए हैं, जो ये गवर्नमेंट्स को सब्सिडी देना पड़ रहा है। तो अब जो पावर में जो इश्यूज उभर के आए हैं, पहले तो सिर्फ ट्रांजिशन का इश्यू सामने आता था डिस्कोर्स में, लेकिन अब यह क्लियर हो गया कि ट्रांजिशन महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एनर्जी सिक्योरिटी का इश्यू आ गया, सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन का इश्यू आ गया। एक और इश्यू है जिस तरफ की दुनिया का नजर नहीं जा रहा है लेकिन जाना चाहिए, अब वो है एक्सेस का इश्यू।
करीब 600 to 800 million पीपल ऐसे हैं जिनको कि एनर्जी में एक्सेस नहीं, बिजली का कनेक्शन नहीं है, उनको उनकी तरफ भी देखना होगा। तो अब जो डिस्कोर्स है एनर्जी का वो वाइडर होगा, और एनर्जी ट्रांजिशन में जो इश्यूज थे वो इश्यूज हैं, अभी भी हैं। हमको ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज को प्रॉब्लम है कि एनर्जी ट्रांजिशन आप कहते हैं उसके लिए उनको एक्सेस टू टेक्नोलॉजी चाहिए, हमको तो हो जा रहा है, वो नहीं कर पा रहे दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज। उनको एक्सेस टू फाइनेंस चाहिए, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ जाता है, दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट जाने में कठिनाई है। तो जब तक कि दुनिया ये सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी तब तक आपका एनर्जी ट्रांजिशन नहीं होने वाला है, और एनर्जी के जो इश्यूज हैं वो एनर्जी के इश्यूज ब्रॉडन होंगे। ये उसमें एक्सेस जरूरी है जोड़ना, उसमें एनर्जी सिक्योरिटी जरूरी है। सर जो आपने फाइनेंस की बात करी, क्या G20 में भी इसका डिस्कशन होगा? क्योंकि वर्ल्ड वाइड सर जो फाइनेंसिंग है वो टाइटनिंग हो रही है। वो बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके बिना आप ये चाहेंगे कि प्रोग्रेस कर लें एनर्जी ट्रांजिशन, वो नहीं होगा। सर 2-3 महीने में गर्मी आने वाली है, हमेशा एक कंसर्न रहता है कि क्योंकि हर साल पावर डिमांड भी सर 10.5% से बढ़ रही है, तो सर क्या कोल की अवेलेबिलिटी और जो लोड शेडिंग है वो इस बार कम रहेगी? क्या पूरी तैयारी है सरकार की? बिल्कुल पूरी तैयारी है, पिछले बार भी देखिए डिमांड रहा लेकिन हम लोगों ने उसको मीट कर दिया, इस बार भी हम लोग मीट करेंगे, उसके लिए पूरी तैयारी है। ये तो हमारे दिमाग में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अगर हमको ज़रूरत पड़ा ब्लेंडिंग करने का और तो और ब्लेंडिंग करेंगे, लेकिन बिजली में डिस्ट्रप्शन नहीं होगा। सर मौका मिला है तो मैं एक और सवाल प्रश्न पूछना चाहूँगा कि सर रेलवे मिनिस्ट्री कह रही है कि वो हाइड्रोजन ट्रेन्स इस साल चलाना चाहती है, तो किस कब तक आपको लगता है कि आपकी तरफ से उनको हाइड्रोजन अवेलेबल हो जाएगा और ट्रेन्स चल पाएंगे? हाइड्रोजन तो अभी भी अवेलेबल है, लेकिन वो ग्रे हाइड्रोजन है, माने कि नेचुरल गैस से बना हुआ हाइड्रोजन, तो उसमें CO2 का इमिशंस होता है। लेकिन जहाँ ग्रीन हाइड्रोजन का सवाल है, तो ग्रीन हाइड्रोजन तो अभी स्मॉल छोटे मात्रा में यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है पायलट के बेसिस पर। हमारा जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो आते आते हमको लगता है कि करीब 2 साल लगेगा, तब तक ग्रे हाइड्रोजन पर चलेगा। थैंक्स फॉर गिविंग टाइम टू जी बिजनेस सर। ये थे हमारे साथ पावर मिनिस्टर आरके सिंह सर। ये एक ऐसी मिनिस्ट्री को हेड कर रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड में नंबर 1 बनाया है पावर के अंदर, रिन्यूएबल के अंदर हिस्सा में हम देश में सबसे बड़े हैं, और बजट के अनाउंसमेंट के बाद अब ये लग रहा है कि ये रफ्तार और तेज हो जाएगी।